एवरीवन, हाउ आर यू? आप सब कैसे होंगे? खैरियत से होंगे? तो दोस्तों, मैं जैसे कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं पहले ब्लॉग बना रहा था सऊदी अरबिया के बारे में। आप लोग तो जानते ही मेरा जॉब क्या है, लेकिन उससे क्या है कि मुझे थोड़ा से प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी मैं इस टाइम फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ कि जैसे कि कंटिन्यू आएगा, एवरीडे आएगा कि सऊदी के लाइफ कैसी है, सऊदी में और सऊदी में जो वर्कर होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, तो इन सब के बारे में मैं आपको फाइनली बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सब आप लोग को एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन पर दबा दें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आज जैसे कि मैं अपने यहाँ एक दोस्त के आया हूँ, ये भी एक मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं आज आप लोग को अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, जहाँ पे वो काम करता है, वो हम ही लोग के साथ काम करता था, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको अलग जाना पड़ा। तो इसके बारे में मैं फाइनली डिटेल आज बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको जो है पूरी जानकारी मिल सके कि सऊदी अरबिया में जॉब कैसे चेंज हो जाती है और जो है कैसे एक दूसरे से लोग बिछड़ जाते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें और मैं आप लोग को फिर अपने दोस्त से मिलाता हूँ, उससे भी बात कराता हूँ कि जो है कैसे जो है उसको किस मुसीबत से सामना करना पड़ा और जो है किस मुसीबत से उसने जो है अपनी जॉब को जो है ट्रांसफ़र कराया है, वो दूसरे यहाँ काम करा। हमारे यहाँ एक साल हो गया उसको जॉब ट्रांसफ़र कराए हुए, लेकिन जो है हमारे साथ वो तकरीबन 5-6 साल से रह रहा था, एक बार छुट्टी भी जाकर आया है, लेकिन अब वो जो है जॉब चेंज करा लिया है। तो गाइस, फाइनली वो आ रहा है और हम उससे जो है बात कराएंगे। ये दो लोग हैं जो दोनों ने जॉब चेंज कराया और जो है दूसरे यहाँ रहते हैं। फाइनली मैं बात कराऊंगा कि आप जो है कैसे, और फिलहाल तो एक आ गया है, मैं उससे पूरा मुबारक है वाह, और क्या है? तो आप छुट्टी जाने वाले हैं? चलो मुश्किल नहीं है, जाने वाले हैं। तो आप उमरस कब आए भाई? लौट कल आया, कल आया लौट के। चलो अलहमद, कितने दिन रह के आए हैं? मैं 3 दिन था भाई, उमरा 3 दिन रह के आए हैं। तो अभी जो है इरादा आपका क्या है? अभी तो इरादा घर जाने के लिए। पहले आप हमारे साथ कितने सात साल के, आपको हमारे साथ कितने दिन हो गए? बहुत अच्छा। चलो मैं जो है फाइनली भाई के साथ मिलाऊंगा, जब भाई जाएगा घर पे तो उससे एक दिन पहले मैं भाई का इंटरव्यू लूंगा और आपको जो है भाई की पूरी मैं डिटेल बताऊंगा। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो है मैं जो मेरा दोस्त था उससे मैंने थोड़ी बातें की, बातें करने के बाद जो है उसके टाइम नहीं था, उसका जो है कफ़ील आ गया था। कफ़ील आने के बाद जो है उसने मुझे जो थोड़ी ही बात बताई जो कि मैं आप लोग को सामने शेयर करूँगा। कभी मुझे ऐसा टाइम आएगा या उसके पास कभी टाइम रहेगा जब दिन हमारी छुट्टी रहेगी, तो मैं फाइनली उसके यहाँ जाऊँगा जिस दिन काम नहीं रहेगा, और जो है उससे मुलाकात करूँगा, उससे पूछूँगा यार अभी जो आपने काम चेंज कराया है तो उसमें जो आपका जो है क्या बेनिफिट आ रहा है, क्या आपके फ़ायदे आ रहे हैं। तो फाइनली जो उसने मुझे बताया तो ठीक ठाक उसको सैलरी मिल रही है और हर महीने जो सैलरी मिल जाती है, लेकिन इस महीने की सैलरी भाई की जो है कपिल ने उसके जो है 1000 रियाल जो है रोक लिया है, 500 रियाल जो है दे चुका है और जो 500 रियाल उसने उसका जो कपिल है वो रोक लिया है। अब जो है उसने बोला है इस महीने की जो सैलरी आएगी मैं उसी में दूंगा। तो गाइस, अब मैं उसके यहाँ जो है जब किसी दिन मेरी छुट्टी रहेगी तो जाऊंगा, भाई से बात करूंगा क्या उसको पैसा मिला और जो है उसकी जॉब कैसी है। लेकिन जॉब के लिए बोल रहा है वो भाई, 3 आदमी है, छोटा रेस्टोरेंट है, ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस
उसी को चलाना है। तो उसका कफिल बोला ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको जिस तरीके से चला ले जाओ, ये समझ लो अपना ही होटल है। तो मेरा मानना है जहाँ तक का उससे मैंने बात की, उसके हिसाब के जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा उसको मिला है कपिल। और जो है ये भी बढ़िया है, जहाँ पर मैं रहता तो मेरे साथ में ही रहता था, लेकिन ये भी ज़बरदस्त है, ये भी अच्छा है। तो गाइस मैं इसी रिलेटेड में वीडियो बनाता रहता हूँ, और जो और भी कुछ है मैं यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको मोटिवेट थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ताकि जो आप सऊदी आएँ और जो समझें यार इसमें क्या है। तो गाइस मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, अगर आपको जो है अच्छी लगती है वीडियो, तो यार नीचे कमेंटमेंट कर दिया करो, और थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले और भी वीडियो अच्छे बनाने का मौका मिले। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और जो है फिर मैं आपको किसी और दिन जो है जाऊँगा उसके पास, और उससे डिटेल में पूछूँगा यार भाई हुआ क्या।